वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट के बारे में रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है लिप 52 टैबलेट। लिप 52 टैबलेट बेसिकली जो है ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम टैबलेट पे रिव्यू करेंगे लिप 52 टैबलेट एंड लिप 52 DS टैबलेट, कि इन दोनों टैबलेट्स को जो है वो किन पर्पजेज में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, और इसके साथ साथ इसको यूज़ किस तरह से किया जाए कि इसके आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकें, और उसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इस पे आज की वीडियो में जो है वो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। लिप 52 टैबलेट जो है ये बेसिकली हिमालया कंपनी की प्रोडक्शन है, जिसमें आपको जो है वो काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स नज़र आएंगे, और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है जो कि लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं लीवर रिलेटेड जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें जो है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसकी पोटेंसी भी यहाँ पर साथ में आपको मैंने मेंशन की भी है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आती है हिमसरा और कसानी। हिमसरा और कसानी ये दोनों क्या हैं कि ये हमारे लीवर के लिए टॉनिक्स के तौर पर काम करते हैं, मतलब ये लीवर की टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। ये टैबलेट आपको दो नामों से मार्केट में मिलेगी, एक मिलेगी लिप 52 टैबलेट और एक आपको मिलेगी लिप 52 DS टैबलेट। DS में क्या होता है कि ये डबल स्ट्रेंथ होती है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको पहले मेंशन किए थे लिप 52 में, वो उसमें उसकी पोटेंसी जो है वो डबल हो जाती है। उसके अलावा अगर हम इसके यूजेस पे आएं कि ये किन किन पर्पजेज में यूज की जाती है, तो जैसा कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं ये लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल टॉक्सिसिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, प्रोलोंग अल्कोहल यूज़ करते हैं, उन लोगों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में इस टैबलेट को यूज़ कराया जाता है। उसके अलावा सिरोसिस में, जिसमें हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी रीज़न से जो है अगर आपके लीवर में टॉक्सिसिटी हो रही है, तो ये टैबलेट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ फैटी लीवर के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जॉन्डिस के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब ये तो इसके हो गए तमाम यूजेस जो लीवर रिलेटेड यूजेस हैं। अब लीवर के अलावा भी बहुत सारे इसके पर्पजेज हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है, जैसा कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो बॉडी बनाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इस टैबलेट से क्या होता है कि वेट गेन होता है, क्योंकि इस टैबलेट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे लीवर के एंजाइम्स को जो है वो बूस्ट करते हैं। और जो लीवर एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो खाना हमने खाया होता है, उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं वो हमारे बॉडी में, जिससे क्या होता है कि वेट गेन होता है। तो ये टैबलेट बेसिकली बॉडी बिल्डर्स के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये लीवर एंजाइम्स को बूस्ट करती है। उसके अलावा जिम जाने वाले पर्सन जो हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना सिर्फ वेट गेन के लिए, उसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है तब भी लीवर में टॉक्सिसिटी होती है, तो उस केस में भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन पाउडर को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है वो ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके लीवर में जो है या उनका लीवर जो है वो प्रोटीन पाउडर को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वो लोग भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोटीन पाउडर जो है वो उनके बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और वेट गेन बॉडी जल्दी उनकी बन सके। वो पेशेंट्स जिनको भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, मतलब एनोरेक्सिया के पेशेंट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा कि भूख आपकी बढ़ जाती है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो इसको वीकनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई होती है वो वेट गेन के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ किसी भी मेडिसिन से होने वाली टॉक्सिसिटी, अगर आप किसी मेडिसिन का प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं या उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है आप में, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो मेडिसिन की ज़्यादा डोज हो जाने की वजह से भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ किस तरह से करना है, इसकी डोजेज आपको क्या लेनी है। सबसे पहले तो इसकी डोजेज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जो कि आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप
कंसल्ट करके ही इसको इस्तेमाल करें। लेकिन कॉमनली जो इसका डोज दिया जाता है वो यही होता है कि लिव 52 की एक टैबलेट आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करनी होती है माइल्ड टॉक्सिसिटी के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी हुई हुई है तो आप इसकी 2 टैबलेट्स डॉक्टर्स की इस्तेमाल करवाते हैं दिन में 3 मरतबा। लेकिन इसी वजह से जो है इसकी लिव 52 DS टैबलेट भी दी जाती है, जिसमें अगर आपको 2 टैबलेट्स लिव 52 की यूज़ करनी है तो DS की आप 1 इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो एज सच इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो रेस्टलेसनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एज सच ये आयुर्वेदिक मेडिसन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको जो है वो बेसिकली 2 से 3 मंथ तक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को लेते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस टैबलेट को लेते हुए आपने ऑयली फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, और उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर अगर आप ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दें। आई होप कि आज की वीडियो में तमाम पॉइंट्स कवर हो गए होंगे लिव 52 टैबलेट के बारे में। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।